बंगाल में टीएमसी का लैंडस्लाइड विन, पर उसके बीच में कांटा है नंदीग्राम में ममता बनर्जी का अपने कंस्टिट्यूएंसी से हार जाना। तृणमूल सरकार तो बनाएगी, पर क्या ममता बनर्जी सीएम बन पाएगी? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बन पाएगी। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्टेट इलेक्शन या फिर विधानसभा चुनाव में हर एक जीतने वाले कैंडिडेट को लेके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है या फिर विधानसभा बनती है। इस विधानसभा में जिस पार्टी के मेंबर्स 50% से ज्यादा सीटें दखल कर लेती है वो जाके सरकार बनाती है। अब उस पार्टी का लीडर जो होंगे जिन्होंने 50% से ज्यादा मेजॉरिटी दखल किया है उस विधानसभा में, उनको गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, उस स्टेट का जो गवर्नर है। अब चीफ मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करते हैं और उनके रिकमेंडेशन से फिर गवर्नर उनको अपॉइंट करती है। तो ऐसे बनता है हमारा सरकार स्टेट में। अब एक ऐसा इंसान जो कि एमएलए नहीं है या फिर विधानसभा में अपनी सीट पक्की नहीं की है, वो भी मिनिस्टर बन सकते हैं दो तरीकों से। पहला तरीका यह है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 164 में कहा गया है कि कोई भी मिनिस्टर अगर मिनिस्टर के पद पर रहते हैं लेकिन एमएलए या फिर विधायक या फिर विधानसभा का मेंबर 6 महीने के लिए कंटिन्यूअसली नहीं रहते हैं तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। इसको उल्टा घुमा के अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि जो मेजर पार्टी है वो किसी को भी मिनिस्टर के पद पे बहाल रख सकती है 6 महीने के लिए मैक्सिमम, विदाउट हिम और हर बिकमिंग एमएलए और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उनको करना बस ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर, जब वो मिनिस्टर के पद पे बहाल हुए हैं वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी बाई इलेक्शन से जीत के अपना विधायक का पोस्ट क्लेम करें। जब किसी कंस्टिट्यूएंसी में जनरल इलेक्शंस के वक्त वोट नहीं हो पाता है, मान लीजिए अनरेस्ट की वजह से या फिर वहाँ का कैंडिडेट मारा जाता है, कुछ भी वजह से अगर वोट नहीं हो पाता है या फिर अगर कोई सिटिंग एमएलए रिजाइन कर देता है अपने पोस्ट से, तो वो जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे बाई इलेक्शंस किया जाता है, मतलब एक सेकेंडरी इलेक्शन जहाँ से फिर से एमएलए चूज किया जाता है, क्योंकि वो वैकेंसी बना के नहीं रखा जा सकता, उसको पूरा करना ही पड़ता है। तो वैसा वैकेंसी जहाँ पे है वैसे एक सीट से उनको, जो मिनिस्टर है पर एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, उनको 6 महीने के अंदर अंदर जीत के आना पड़ता है और फिर वो फुल टाइम के लिए अगले 5 साल के लिए अपना मिनिस्टर का पद क्लेम कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप विधान परिषद या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है उसका मेंबर इलेक्ट होके भी मिनिस्टर बन सकते हैं। तो अभी सिचुएशन में आते हैं, ममता क्या करेगी? देखिए, दूसरा वाला जो रास्ता है वो तो उनके पास है नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बस 6 ही स्टेटों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है इंडिया में, वेस्ट बंगाल उनमें नहीं आता, तो वहां पे इलेक्ट होके आना उनके लिए ऑप्शन नहीं है। योगी आदित्यनाथ 2017 में ऐसे ही चीफ मिनिस्टर बने थे, एनीवेज तो वो ऑप्शन उनका नहीं है। तो उनके पास सीधा सीधा ऑप्शन ये है कि आज जो शपथ वो लेंगे वो लेके वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और फिर 6 महीने के अंदर वेस्ट बंगाल के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से, यानी कि 2 कंस्टिट्यूएंसी में तो वोट हुआ नहीं है और 1 कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट मारा जा चुका है ड्यू टू कोरोना, After and he got elected, he owned that constituency, so वहाँ पे by election करना पड़ेगा। तो ऐसे किसी भी constituency या फिर ऐसे जहाँ पे किसी ने जीता है वो resign करेगा और उस seat से ममता खड़ी होंगी और वहाँ से जीत के आ जाएंगी। अगर ऐसा करेंगी 6 महीने के अंदर तो अपने चीफ मिनिस्टर का पद क्लेम कर पाएंगे फॉर द foreseeable फ्यूचर। पर अगर ऐसा एक बाई इलेक्शन में भी वो हार जाती है, फिर उनको चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन करना पड़ेगा और किसी भी सिटिंग एमएलए को जो विधायक है उनको चीफ मिनिस्टर अनाउंस करना पड़ेगा तृणमूल को। पर ये हुआ बहुत रेयर है, एक बार शायद झारखंड में शिबू सोरेन के साथ ऐसा हुआ था, पर ये बहुत रेयर है चीफ मिनिस्टर अनाउंस होने के बाद फिर जब बाई इलेक्शन में वो खड़े होते फिर हार जाते, ये ऐसा होता नहीं है इंडिया में, अभी तक बस एक इंसिडेंट हुआ है। पर ये इंसिडेंट कि चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद बाई इलेक्शन से जीत के आए, ये बहुत बार हुआ है इंडिया में। और ममता बनर्जी के लिए भी पहली बार नहीं होगा कि वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद बाई इलेक्शन से जीत के आए। 2011 में जब तृणमूल की सरकार पहली बार बनी थी बंगाल में, तब भी वो एक एमपी थे और वोट में नहीं लड़े थे। तृणमूल जीतने के बाद वो एमपी के पद से रिजाइन करे और यहाँ पे आके चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर 6 महीने के अंदर भवानीपुर से बाई इलेक्शन में वो जीत के आए एज अ विधायक, एज अ एमएलए। इस बार भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा ममता बनर्जी को अगर कोट एंड कोट हवाई चोटी को फिर से 99 में पहुंचाना है तो।